क्या तलखियां खत्म होने वाली है, क्या मुफाहमत की बंद ट्रेन चलने वाली है। वजीर खजाना इसहाक डार दुबई पहुंच गए, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात का इम्कान। सियासी पंडितों ने बड़े ब्रेक थ्रू की पेशगोई कर दी। तारिक सयाल के मुबजना फ्रंटमैन असद खरल का 14 रोजा रिमांड। असद खरल को सखर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुलजिम पर कार्य सरकार में मुदाखलत, दहशतगर्दी की दफात के मुकदमा दर्ज हैं। असद खरल की गिरफ्तारी पर सिंध हुकूमत और रेंजर्स में तनाव था। रेंजर्स के हाथ खोलने हैं, कब खोलने हैं। साई सरकार अगर मगर की गेम में पड़ गई। बिलावल भुट्टो की दुबई यात्रा, कायम अली शाह आज पहुंचेंगे। रेंजर्स इख्तियारात में तौसी का फैसला होगा। नया दिन नया जोश, टीम पाकिस्तान उड़ा दो गोरों के होश। प्लान बी आजमाएं, बाकी खिलाड़ियों को जल्दी से पवेलियन का रास्ता दिखाएं। यासिर शाह फॉर्म में आओ, गेंद घुमाओ और विकेटें उड़ाओ। रेलवे की हालत कब संभलेगी, सीधे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल। हैदराबाद में रेलवे स्टेशन पर जारी तरक्कियाती काम में सीमेंट समेत नाकिस मटेरियल का इंकशाफ। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा रेलवे जंक्शन अपनी ताजीन और आयश के इंतजार में बूढ़ा हो गया। रहीम यार खान का रेलवे स्टेशन भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। मारूफ कवाल अमजद साबरी कत्ल केस हल होने के करीब, पुलिस का कातिल गिरफ्तार करने का दावा। मुलजिम का तीन साथियों के साथ वारदात का एतराफ। अमजद साबरी पर गाड़ी का दायां दरवाजा खोलकर गोलियां चलाई, टारगेट किलर का बयान। मॉडल गर्ल किंदील बलोच कत्ल केस ने नया मोड़ ले लिया। किंदील बलोच के कत्ल का फैसला बरादरी और करीबी रिश्तेदारों ने किया। मुलजिम वसीम ने तफ्तीश में दो नाम उगल दिए, मुफ्ती अब्दुल कवी से भी पूछगछ का इम्कान। इस्लामाबाद पुलिस के एआईजी आशिर हमीद लाहौर में सपुर्दे खाक, नमाज जनाजा में आईजी पंजाब मुश्ताक सखेरा और पुलिस अफसरान की शिरकत। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आशिर हमीद के जिस्म पर गोली का कोई निशान नहीं मिला। डॉक्टर आसिम के अस्पताल में दहशत गर्दों के इलाज का इल्जाम, पीएसपी के अनीस कायम खानी की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मंजूर। फिकैन को 27 जुलाई के लिए नोटिस जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम सुहाना हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जमकर बादल बरसने की पेशगोई। कराची में तेज हवाओं के साथ रिमझिम का इम्कान। जर्मनी में दहशतगर्दी, हमलावर की म्यूनिख के शॉपिंग सेंटर में घुसकर फायरिंग, 9 अफराद हलाक 21 जख्मी। मुलजिम ने हमले के बाद खुदकुशी कर ली, हमला आवर ईरानी नयाद जर्मन था। हिलरी क्लिंटन ने टिम केन को अपना नायब सदारती उम्मीदवार चुन लिया। कहती हैं सेनेटर केन ने सारी जिंदगी दूसरों के लिए जिद्दोजहद में गुजारी है। और चीन ने जमीन और पानी पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बना लिया। जहाज एक वक्त में 50 लोगों को रेस्क्यू कर सकता है, मिनटों में आग बुझाने की भी सलाहियत रखता है।